इंदौर में माहिल्या नागरिक अभिनंदन समिति द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान चंपत राय ने राम जन्मभूमि संघर्ष की पूरी कहानी बताई और कई बड़े खुलासे किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अयोध्या राम मंदिर निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का रविन्द्र नाट्यगृह सभागार में नागरिक अभिनंदन किया गया। माहिल्या नागरिक अभिनंदन समिति द्वारा हुए इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में संत समाज, जन प्रतिनिधि और हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। वाटर प्लस में प्रथम है, स्मार्ट सिटी में प्रथम है, वैसे ही किसके आदर और सम्मान के साथ समाज सेवी मुख्य पूर्वक प्रारंभ करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से माँ सम्मान समारोह में आज शहर का माँ अहिल्या की नगरी के सभी प्रवीण प्रवीणानाथ जी महाराज, आप नाथ संप्रदाय से हैं, असक है, आपका आश्रम अनूपनगर में है। महंत जयदास जी उदासीन, आपका आश्रम राजमहला में। पिता रामचंद्र, रहे तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे, बहुत समय से राम मंदिर का केस लड़ते रहकर उसको उच्च शिक्षा और प्रखर हिंदुत्व आपके पद की गरिमा बढ़ाता है। अखिल भारतीय संत समिति एवं धर्म। इस मौके पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहली बार मंच से राम जन्मभूमि संघर्ष की पूरी कहानी बताई। मंच से ही चंपत राय ने मंदिर निर्माण की संघर्षपूर्ण यात्रा का जिक्र करते हुए कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 3000 मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ एक मंदिर के लिए इतना संघर्ष इसीलिए क्योंकि एक विदेशी आक्रमणकारी ने मंदिर गिराकर संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया था, इसलिए आंदोलन उठा। राम जन्मभूमि मंदिर में एक शिव जी का मंदिर बनना था, उसके लिए शिवलिंग की आवश्यकता थी, तो ये विचार हुआ कि आर्किटेक्ट के साथ मैं भी आऊं। एक आईएएस अधिकारी ने सुझाव दिया बकामा जाइए खरगोन जिले में, और इसलिए बकामा जाने के लिए इंदौर आना हुआ। स्वाभाविक ही कितना समय लगेगा मालूम नहीं, तो एक दिन का थोड़ा सा अंतराल रख लिया, गैप मार्जिन रखा, और अभी 6 बजे हवाई जहाज पकड़ना है अयोध्या जाने के लिए। तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कुछ समय का उपयोग कर लिया, हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन कुछ बातें इस कार्यक्रम के संबंध में जो मैं सोच रहा हूं, मैं लगभग 10 साल की आयु में संघ की शाखा पर जाने लगा। वहां पर कथा कहानियां सुनते थे, गीत दोहराते थे, धीरे धीरे गीत याद करने लगे और स्वयं भी गीत का गायन करने लगे। 25-50 गीत याद रखते थे हम, कंठ में रहते थे, कागज नहीं रहता था हाथ में। तो जब मैं 10वीं कक्षा में आया तब एक गीत मैंने याद किया, ये घटना 1962 की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि संघ का कार्य चलता तो था, लेकिन समाज में संघ के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, सोशली रिकॉग्निशन नहीं था, आरोप प्रत्यारोप बहुत चलते थे। हम तो आयु 10 साल के कक्षा में 15 साल के बच्चे की आयु क्या होती है, पत्ते दुबले थे तो वैसे भी कुछ नहीं था। तो जो गीत गाया
यह गीत हमसे कंठस्थ करने के लिए कहा गया, उसमें दो चार बातें थी। मुझे गीत की पहली लाइन याद नहीं है, वो दो चार बातें कभी भूलता ही नहीं है। तो उसमें एक वाक्य था, यह मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे। अब आज इसका समझ में आता है। चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण में पत्थर, लकड़ी, लोहे, मूर्ति निर्माता, कारीगर, इंजीनियर सब भारत के हैं। पूरे भारत का योगदान राम मंदिर निर्माण में है। करीब 25 लाख घनफुट मंदिर निर्माण में खर्च होंगे। इतना ही नहीं, चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण कार्य में सरकार की रॉयल्टी, सरकार का TDS, सरकार का GST, सरकार की बिजली की खपत में कोई चोरी नहीं की जाएगी, 100% भुगतान किया जा रहा है। तो ऐसी सब बैठे थे, किसी ने कहा भाई हमारा वृद्धावस्था में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। हमसे भी सबसे बूढ़े बैठे थे, ये प्रयागराज की बात है। उठे, रसोई घर में गए, एक नींबू लाए, एक चाकू लाए और सब कम आयु के प्रचारकों के सामने चाकू से नींबू काटा और नींबू को निचोड़ा और फेंक दिया। कहते ये होगा जो इस नींबू का हो रहा है, तुम्हें जितनी शक्ति है जब वो निचुड़ जाएगी तो तुम्हें भी कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। इसके लिए तैयार हो तो देश के लिए काम करो, नहीं तो घर को ला। अब वो ये किस काल की बात है भाई, किस काल की बात है। हमने ये भी सुना अपने पुराने बूढ़े लोगों से जो कभी 1936 में घर से निकले, नागपुर से निकलकर दिल्ली पहुंच गए, लखनऊ आए, लाहौर गए। चंपत राय जब राम मंदिर निर्माण की गौरव गाथा सुना रहे थे, उस दौरान पूरा सभागृह जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान मंच पर अन्ना महाराज, राधे राधे बाबा, पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, योगेंद्र महंत, विधायक गोलू शुक्ला सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।